हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि मैं मुंबई आई हुई हूँ और मैं रुकी हुई हूँ मोहम्मद अली रोड में, और मुझे यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करना था। तो आज मैं आई हूँ यहाँ मार्केट में, और इस मार्केट का ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आपको हर तरह के ड्रेसेस मिल जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादातर अपने पार्टी वेयर ड्रेसेस के लिए फेमस है। एक्चुअली ये मार्केट ना मेरे होटल से काफ़ी नज़दीक थी, तो मैं बाई वॉक यहाँ पे आकर एक्सप्लोर किया मैंने। और इस मार्केट की खासियत ये है कि यहाँ पे पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ आपको हर तरह के एसेसरीज मिल जाएंगे, लाइक वॉचेस एंड फुटवेयर्स, साड़ी, हर तरह के ड्रेसेस यहाँ पे अवेलेबल है, और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट हर तरफ आपको यहाँ पे शॉप्स वगैरह अवेलेबल थे, और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्लीपर का प्राइस था, स्टार्टिंग प्राइस था 200 रुपीज़, और यहाँ पे वॉच का भी स्टार्टिंग प्राइस था 150 रुपीज़। तो ये काफ़ी मुझे अफोर्डेबल लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरह के वैरायटीज़ के आपको कलेक्शंस मिल जाएंगे, और यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। और इस मार्केट में इतनी सारी वैरायटीज़ के सामान मिलते हैं ना कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर 3-4 आवर्स लेकर आना चाहिए। और मुझे ना इस मार्केट की सबसे अच्छी खासियत ये लगी ना कि यहाँ पे जूसेस अवेलेबल थे, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली नीड्स के जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल थी, और यहाँ पे जो ये टी शर्ट्स वगैरह हैं उसका जो स्टार्टिंग प्राइस था वो 150 रुपीज़ था, लोअर का प्राइस था 100 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस। और फिर अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लीपर्स में भी कितने ऑप्शन हैं, और ये यहाँ पे कपड़े का जो कलेक्शन था ना, ये पार्टी वेयर है, और इसका भी स्टार्टिंग प्राइस 200 रुपीज़ से ये स्टार्ट था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉपिंग के साथ साथ आप खाने का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो टॉयज़ है इसका स्टार्टिंग प्राइस था 100 रुपीज़। तो मुझे ना ये मार्केट काफ़ी अफोर्डेबल लगा। तो ये इस मार्केट में ना आप अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है ना, तो आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में ये सारे सामान मिल जाएंगे, और हर शॉप में ना थोड़ा डिफरेंट प्राइस अवेलेबल था। और ये जो यहाँ पे आप ब्यूटीफुल सा कलेक्शन देख रहे हैं कुर्ती और पैंट का ना, ये 350 रुपीज़ से स्टार्टिंग था। तो मुझे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे सामान अवेलेबल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंगल्स वगैरह अवेलेबल हैं, क्लिप्स वगैरह। तो ये यहाँ पे ना जो स्टार्टिंग प्राइस था वो 30 रुपीज़ से स्टार्ट था। तो मुझे तो ये मार्केट काफ़ी अच्छी लगी। और इस शॉप में आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल पार्टी वेयर कलेक्शन है। तो यहाँ पे ना हर तरह के हर प्राइस के आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे, और ये जो है ना ये ड्रेसेस आपको, और इसके स्टार्टिंग प्राइस 350 रुपीज़ था, और मुझे तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस लगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरह के यहाँ पे ड्रेसेस अवेलेबल थे, कॉटन, सिल्क और पार्टी वेयर। तो मुझे तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा कलेक्शन लगा। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स के भी हर तरह के सामान यहाँ पे अवेलेबल थे, बट आपको ये चीज़ें थोड़ा शॉप से ही लेना चाहिए। तो इस मार्केट में ना इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कलेक्शन था ना कि आप बस देखते ही रह जाओ सकते। मैं तो जहाँ भी जा रही थी मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, हर ड्रेस मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था, और ना इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल था। तो यहाँ पे ना आपको हर तरह के कलेक्शन मिल जाएंगे। तो अगर आप मैरिज वगैरह के लिए ड्रेसेस लेना चाहते तो आपको इस जगह एक बार तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए, रियली। और ये जो आप ब्यूटीफुल सा कलेक्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पे हर तरह के ड्रेसेस अवेलेबल थे, लाइक 2000 से स्टार्टिंग प्राइस था और 3-4000 तक था इसका लिमिट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किड्स के लिए भी ड्रेस अवेलेबल, यहाँ पे किड्स के लिए पार्टी वेयर ड्रेसेस 750 रुपीज़ में अवेलेबल थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं।
और यहाँ पे जो आप ड्रेसेस देख रहे हैं उसका स्टार्टिंग प्राइस था 300 रुपीस, और ये जो दूसरा कलेक्शन है इसका भी प्राइस था स्टार्टिंग प्राइस 250 रुपीस। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं हर तरह के डिफरेंट प्राइस के ड्रेसेस अवेलेबल है। और इस मार्केट की सबसे अच्छी खासियत ये है ना कि यहाँ पे आपको जो ड्रेसेस है ना वहाँ पे प्राइस उसका सबका ऊपर मेंशन किया होता है, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी होगा शॉपिंग करने के लिए। और इस मार्केट में आपको थोड़ा रश तो देखने को मिलेगा लेकिन ये वर्थ होगा। यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल सा कलेक्शन देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग प्राइस था 1000 रुपीज़, लेकिन ना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे। और यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी अवेलेबल थे और काफ़ी ब्यूटीफुल कलेक्शन था और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल था। यहाँ पे जो झुमकास था ना उसका स्टार्टिंग प्राइस था 100 रुपीज़। तो अगर आप भी मुंबई आने का प्लान कर रहे हैं ना तो आपको इस मार्केट पे एक बार तो ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज रियली ये काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे कलेक्शंस मिलता है और यहाँ पे हर तरह के आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल चिकनकारी सूट्स जो है ना वो दुपट्टा के साथ आपको 450 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉप में 750 रुपीज़ से आपको पार्टी वियर ड्रेसेस अवेलेबल है। इस मार्केट में ना इतना सारा ब्यूटीफुल कलेक्शन देखने के बाद ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा ड्रेस पिक करूँ रियली। और ये मार्केट ना मुझे काफी बजट फ्रेंडली लगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सपेंसिव ड्रेसेस भी ले सकते हो और अफोर्डेबल प्राइस वाले ड्रेसेस भी ले सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल कलेक्शन है, वो भी 750 रुपीज़ में। तो इस मार्केट में ना आपको ऐसे पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ज्वेलरी के शॉप्स हर एक कॉर्नर्स में अवेलेबल थे, तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हो सकता है कि आप क्या लो क्या ना लो। और इस शॉप में आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल सा ज्वेलरी सेट कलेक्शन 300 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस था, और यहाँ पे इयररिंग्स का स्टार्टिंग प्राइस था 100 रुपीज़। तो मुझे तो ये काफ़ी अफोर्डेबल लगा और काफ़ी ब्यूटीफुल कलेक्शंस था यहाँ का। और यहाँ पे जो ब्यूटीफुल सा कलेक्शन था फिंगर रिंग्स का उसका स्टार्टिंग प्राइस था 20 रुपीज़ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ट्रेंडी और ब्यूटीफुल सा कलेक्शन है और यहाँ पे हर तरफ आपको इस तरीके का ड्रेसेस दिख जाएगा। तो इस मार्केट में जाने के बाद आप जितना भी सोच लो कि आप शॉपिंग नहीं करोगे फिर भी आप यहाँ से बहुत सारे ड्रेसेस ले लोगे। तो मैं भी यही सोच कर गई थी कि मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग करूँगी, लेकिन मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। यहाँ पे ये जो प्लाजो कुर्ती का सेट है ना इसका स्टार्टिंग प्राइस था 400 रुपीज़। तो मैंने ना इस मार्केट के बारे में काफ़ी सुना था, तो मैंने जब देखा ना तो मुझे रियली लगा कि ये मार्केट रियली काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे आपको। और मैं ना इस मार्केट में गई थी डे टाइम में, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ का ब्यूटीफुल कलेक्शन था ना कि मेरा इवनिंग हो गया यहाँ पे शॉपिंग करते करते। इस मार्केट की खासियत ये है कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं ड्रेसेस वगैरह ज्वेलरीज और किड्स के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे बॉयज़ के लिए कम ही कलेक्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ इयररिंग्स की शॉपिंग करने और यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल कलेक्शंस था तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो प्राइस था स्टार्टिंग प्राइस वो 100 रुपीज़ से था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा क्लिप का कलेक्शंस है। तो यहाँ पे ज्वेलरी की शॉपिंग करने के बाद हम आगे बढ़े, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना हर तरह के ड्रेसेस अवेलेबल थे। जो ड्रेसेस 750 रुपीज़ में आगे मिल रहे थे ना वो यहाँ पे 550 रुपीज़ में अवेलेबल थे। तो
आप चाहे तो आपको पहले मार्केट अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए, देन आपको शॉपिंग करना चाहिए। इस मार्केट की ये खासियत है कि यहाँ पे सिर्फ आपको इस तरह के शॉप के अलावा भी आपको काफ़ी ब्रांडेड शॉप्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्रांडेड शॉप में शॉपिंग करनी है तो आप वहाँ भी शॉपिंग कर सकते हैं। और ये मार्केट ना काफ़ी बड़ा, आप शॉपिंग करते करते थक जाओगे लेकिन यहाँ पे शॉप्स ख़त्म नहीं होने वाले। तो इस मार्केट की सबसे अच्छी खासियत ये है ना कि यहाँ पे आपको ड्रेसेस मटेरियल के साथ ही साथ आपको रेडीमेड ड्रेसेस भी अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे अगर आप गाउन के लिए ड्रेसेस बनवाना चाहते हैं ना तो उसके भी मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा चंदेरी कलेक्शन था और इसका प्राइस था 500 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा दुपट्टा का कलेक्शंस। तो यहाँ पे आप भी मेरे साथ मार्केट को एंजॉय कीजिए। तो अगर आप भी इस मार्केट में विज़िट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा टाइम है रमज़ान का टाइम, और उस वक्त ना यहाँ पे आपको खाने में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप पहले से होटल्स वगैरह की बुकिंग करके रखो। तो अगर आप यहाँ पे इंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फूड के साथ साथ मार्केट को भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये मार्केट मॉर्निंग में 11 AM ओपन होता है और 10 PM क्लोज होता है। तो आप भी यहाँ पे अगर मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको रेस्टोरेंट्स के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ पे शालीमार रेस्टोरेंट में इंजॉय कर सकते हैं फूड को। ये मार्केट ना काफ़ी बड़ा है और सच में मैं यहाँ पे वॉक करते करते काफ़ी टायर्ड हो गई थी। और मैंने अपनी वीडियो में ना आपको होल मार्केट दिखाने की कोशिश की है। ये मार्केट ना जितना डे टाइम में ब्यूटीफुल दिखता है ना उससे ज़्यादा ही ये आपको नाइट टाइम में ब्यूटीफुल दिखता है। और हर तरफ आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिलते हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू दिखता है आपको।
ये जो यहाँ पे आप पैजामा देख रहे हैं ना, वो 100 रुपीज़ से इसका स्टार्टिंग प्राइस है, और यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में यूटेंसिल्स भी अवेलेबल थे, और यहाँ पे हर तरह की चीज़ें अवेलेबल थी। तो अब मैं आ गई हूँ दूसरे शॉप में शॉपिंग करने, और यहाँ पे जो आप कलेक्शंस देख रहे हैं ना, ये जो आपको फ्रॉक दिख रहा है इसका स्टार्टिंग प्राइस था 600 रुपीज़, एंड यहाँ पे जो आपको सूट्स दिख रहा है ब्लैक वाला, उसका स्टार्टिंग प्राइस था 1200 रुपीज़। जो आप ड्रेस देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग प्राइस था 350 रुपीज़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली नीड्स के लिए भी आपको यूटेंसिल्स में हर तरह की चीज़ें अवेलेबल थी। इस मार्केट की ये भी खासियत है ना कि यहाँ से आप दूसरे मार्केट्स को भी कवर कर सकते हो बाय वॉक। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मार्केट है जिसका नाम है क्रॉफर्ड मार्केट, और वो यहाँ से 15 मिनट्स में ही आप बाय वॉक जा सकते हैं, और वो भी वहाँ पे आप होलसेल सामान वगैरह ले सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर आपको बेनिफिट्स है। ये जो आप ब्यूटीफुल सा नेकलेस का कलेक्शंस देख रहे हैं ना, इसका स्टार्टिंग प्राइस है 250 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे शॉपिंग करते करते काफ़ी टायर्ड हो गई थी, तो हमने ब्रेक लिया और हम गए शालीमार में खाना एंजॉय करने। उसके बाद फिर मैं अगेन आ गई शॉपिंग करने, और आप देख सकते हैं ये नाइट टाइम है और यहाँ का व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। तो इस मार्केट की ये भी खासियत है ना कि यहाँ पे आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप खाने को स्ट्रीट फूड्स को एंजॉय कर सकते हो। तो मार्केट में पूरी तरह एक्सप्लोर करने के बाद और बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे मीनारा मस्जिद की तरफ, और ये मस्जिद काफ़ी फेमस है, और इसके बगल में एक शॉप है जिसका नाम है सुलेमान मिठाई। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना, तो इस शॉप से आपको मिठाई ज़रूर लेनी चाहिए, और यहाँ पे नान खटाई वगैरह बहुत काफ़ी फेमस है। और आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।